जैसा कि आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू विज्ञान प्रसार, ए नेशनल लेवल साइंस फेस्टिवल विच विल लास्ट फॉर 7 days इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड at 75 different institutions of the country. This is in continuation the celebrations of programs across the length and breadth of the country under Azadi Ka Amrit Mahotsav. ये event जो है government of India ने जो organize किया है इसकी formal inauguration जो है वो कल विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में होगी. उसका टाइम जो है 3 से 5 है और जम्मू यूनिवर्सिटी को इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए आइडेंटिफाई किया है जम्मू प्रोविंस में, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है. जम्मू यूनिवर्सिटी का ये कार्यक्रम जो है ये अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर मनोज धज, ऑनरेबल वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और जिसके लिए उन्होंने डिफरेंट कमेटीज़ बनाई हैं और मुझे दायित्व दिया है इसका, इसको कन्वीन करने का. हमारे पास 2 को कन्वीनर्स भी हैं इसमें, प्रोफेसर राहुल गुप्ता हैं और प्रोफेसर सीमा लंगर हैं. और हमारे साथ मंच पे सीनियर मोस्ट प्रोफेसर प्रोफेसर रजनी ढींगरा हु इज़ डीन रिसर्च स्टडीज, वो भी हैं, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो कि इंचार्ज रजिस्ट्रार भी हैं इन दिनों में, तो वो भी हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं. मुझे ये बताते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन कल हम 2 बजे जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, जिसमें 1800 बच्चे टोटल इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हुए हैं. हालांकि रिस्पॉन्स अभी और भी आ रहा है. और आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग आज हमारे बीच आए. और जैसा अभी प्रोफेसर रजनीकांत जो कि कन्वीनर है इस साइंस फेस्टिवल के जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो जैसा उन्होंने बड़ा विस्तार से आपको बताया कि ये जो कार्यक्रम कल 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक चलेगा जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसमें क्या क्या गतिविधियाँ होंगी, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, वो सब उसका उन्होंने ऑलरेडी डिटेल आपको दे रखा है. मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो हम एक इवेंट करवा रहे हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये सब हमारे देश की जो 75 साल आज़ादी के हुए हैं उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि हमारी भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके तहत ये सारी गतिविधियां हो रही हैं पूरे देश में. ये 75 सेंटर्स हैं देश में जहां पे कि ये कल से साइंस वीक जो पूरा सेलिब्रेट होगा. तो ये 75 सेंटर हैं, 75 साल आज़ादी के हुए हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर ये प्रोग्राम हो रहा है. और हमें खुशी है और गर्व है कि, और हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोग जम्मू प्रोविंस में ये कार्यक्रम आयोजित कर सकें. जम्मू प्रोविंस के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उन सबको हमने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है, वहाँ के बच्चों को आमंत्रित किया है, वहाँ की फैकल्टी को किया है. और कोशिश ये है कि ये भव्य समारोह जो हम 6 दिन का यहाँ पे चलेगा वो ना सिर्फ हमारे जो जम्मू प्रोविंस में है उनमें एक साइंस के प्रति उनकी एक अवेयरनेस हो, जागरूकता हो, उनको ये लगे कि साइंस ने हमारे लिए क्या क्या किया है और साइंस या एक साइंटिफिक तरीका अपनाने से हम लोग जो है वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं.